गणनाथ सरस्वती रविशुक्र बृहस्पतीन पंचयितान संस्मरण नित्यम वेदवाणी प्रवर्तयेत। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री मद गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। देखिए, मंदिरों से संबंधित, मूर्ति पूजा से संबंधित बहुत सुंदर प्रश्न है। पूरी उड़ीसा से अभिलाष वाहिनीपति हैं, इनका प्रश्न है, वर्ण ब्राह्मण है। ये कह रहे हैं कि प्रणाम गुरुजी, मेरा प्रश्न है कि अगर घर में पूजित हो रहे देव विग्रहों का किसी कारणवश एक दिन या एक समय की पूजा नहीं हो पाई हो तो क्या देव विग्रह की पुनः प्रतिष्ठा करनी पड़ती है? अर्थात मंदिरों की जो प्रतिष्ठित मूर्तियां हैं, विग्रह हैं, उनका पूजन अगर छूट जाए कुछ समय के लिए तो फिर क्या प्रायश्चित करना पड़ता है, क्या करना चाहिए? तो देखिए, शास्त्रों में एक प्रोक्षण विधि बतलाई है, प्रोक्षण विधि, तो वो करने का विधान है। तो प्रोक्षण विधि कब होती है, यानी कब कब की जानी चाहिए, तो वो सब देखिएगा। बहुत ही सुंदर विषय को बड़े ही संक्षिप्त रूप से और बहुत ही सटीक रूप से ये यहाँ लिखा गया है, वो हम आपको बतलाते हैं। शूद्र रजस्वला पतित चौर चांडाल अंत्यज श्व काक गर्धव रक्त पूयादि दूषितायाम प्रतिमायाम शुद्धि पूर्वम पूजा विच्छेदे च प्रोक्षण विधि पुनः प्रतिष्ठा च कार्या। ये कार्य, देव प्रतिष्ठित मूर्ति को किसी शूद्र ने स्पर्श कर लिया हो, रजस्वला ने स्पर्श कर लिया हो, पतित व्यक्ति, चोर, चांडाल और अंत्यज, अंत्यज अलग, चांडाल अलग, और शूद्र को भी, शूद्र ने भी अगर स्पर्श कर लिया तब भी, या कुत्ता या कौवे ने, तथा गर्धव ने छू लिया है, गधे ने छू लिया है, और पुजारी इत्यादि का भी या किसी का भी रक्त पूयादि, रक्त या पूय मन होता पीव, मवाद जिसको कहते हैं, पस वो भी छू लिया हो, दूषितायाम प्रतिमायाम, इनसे दूषित हुई प्रतिमा में, चाहे ये बुद्धिपूर्वक हो या अबुद्धिपूर्वक हो, पूजा विच्छेदे च, और पूजा का विच्छेद हो गया हो, पूजा नहीं हुई हो, कुछ समय तक रुक गई हो, तो प्रोक्षण विधि ही, प्रोक्षण विधि करनी चाहिए। और इनका जो है कहीं जानबूझ करके किया गया हो, ज्यादा मात्रा में हुआ हो, आगे बतलाएंगे, तो पुनः प्रतिष्ठा च कार्य, तो फिर दोबारा प्रतिष्ठा भी करनी चाहिए। देखिए, अयम विधि स्वस्थान स्थितायाम प्रतिमायाम एव कार्य। और ये जो प्रोक्षण विधि है, इसमें प्रतिमा अगर स्थित है, स्थिर प्रतिष्ठा है, तो उस मूर्ति को नहीं हिलाना, वहीं मूर्ति वहीं बनी रहेगी और ये विधि होगी। तो क्या व्यवस्था है, देखिए, तत्र एक दिन पूजा विच्छेदे द्विगुणम पूजनम। यदि एक दिन पूजा नहीं हुई हो तो दूना पूजन करे, ये विधि है। और दिनद्वये पूजा विच्छेदे महापूजा, यदि दो दिन तक पूजन नहीं हुआ हो तो महापूजा करे, अर्थात जो है कई उपचारों से महापूजा के जो लक्षण है वो विधि पूर्वक करे। त्रिरात्रा त्रिरात्रा दूर्ध्वम मासम यावत पूजा विच्छेदे प्रोक्षण विधि, तीन रात्र से लेकर के और एक महीने तक की पूजा नहीं हुई हो, तीन रात से लेकर चार पांच या जब जो भी लो,
एक महीने तक यानी 30 दिन तक पूजा नहीं हुई हो तो प्रोक्षण विधि ही कार्य है। प्रोक्षण विधि, तो प्रोक्षण विधि को करवाना चाहिए। और मासादूर्ध्वम पूजा विच्छेदे प्रोक्षण विधि पुनः प्रतिष्ठा च कार्य, और एक महीने से ज्यादा दिन हो गए हो तो प्रोक्षण विधि भी होगी और पुनः प्रतिष्ठा च कार्य, और दोबारा प्रतिष्ठा भी करवानी चाहिए। एवमेव निषिध्य स्पर्शादौ अपि प्रोक्षण विधि, इसी प्रकार किसी न किसी निषिद्ध पदार्थों से यदि मूर्ति का स्पर्श हो जाता है, अस्पर्श का स्पर्श होने पर भी प्रोक्षण विधि करवानी चाहिए। कौआ इत्यादि छू गया, कुत्ता ने स्पर्श कर लिया, अमेध्य पदार्थ का स्पर्श हो गया, और जो अभी ऊपर बतलाए थे इन सभी किसी भी पदार्थ से स्पर्श होता है तब भी अर्चा शुद्धि के लिए प्रोक्षण विधि करवानी चाहिए। अब कह रहे हैं आगे कि वस्तु तस्तु प्रोक्षण विधौ देवता विसर्जन प्रोक्षण तत्व न्यास पुनः प्रतिष्ठा विधि नाम समावेशात्। वस्तुतस्तु तो प्रोक्षण विधि में देवता विसर्जन और प्रोक्षण तत्व का न्यास और पुनः प्रतिष्ठा विधि नाम इनका समावेश होता है, ये सब उसमें विधि की जाती है। निषिद्ध स्पर्श पूजा विच्छेद जन्य प्रायश्चित द्वयम् एकेन एव विधिना सिद्ध्यति इति बोध्यम्। निषिद्ध स्पर्श विधि जो अगर है, कोई विशेष निषिद्ध पदार्थों का स्पर्श हो गया है तो प्रोक्षण विधि कर लें अथवा पुनः प्रतिष्ठा करें। कोई विशेष ज्यादा अमेध्य पदार्थ छू गया है या कोई कई दिनों तक कई बार स्पर्श होता रहा है तो फिर पुनः प्रतिष्ठा चकार्य, तो ये द्वारा प्रतिष्ठा ही करनी चाहिए। स्थिर प्रतिमाया स्वस्थान स्थिताया एव चल मूर्तेस्तु स्थानांतरे निधाय अपि शुद्धौ न कश्चित दोषः। बोले अगर स्थिर प्रतिमा है तो वहीं करनी है, और चल प्रतिमा है तो कहीं दूसरी जगह रख करके भी ये प्रोक्षण विधि की जा सकती है। अयम मलमास गुर शुक्रास्त बाल्यवार्धिक्यादौ अपि कार्या। ये अब कोई कहे भाई इसका मुहूर्त कब है, कब करना चाहिए, तो इसको बतला रहे हैं कि आज स्पर्श हो गया किसी का, आज पूजा छूट गई, तो ऐसा नहीं है कि जब मुहूर्त आएगा तब इस प्रोक्षण विधि को करेंगे, नहीं, ये तो तत्काल करना है। मलमास हो चाहे खरमास हो, चाहे गुरु या शुक्र का अस्त हो, चाहे गुरु बाल हो चाहे वार्धक्य हो वृद्ध हो, किसी भी अवस्था में होने पर भी, और ये ऐसा कोई यदि चूक होती है या स्पर्श का स्पर्श होता है तो तत्काल ये कार्य करना चाहिए। ये जो प्रोक्षण विधि है तो ये क्यों की जाती है, इससे क्या हो जाता है अगर पूजा छूट जाती है या कोई स्पर्श पदार्थ का स्पर्श हो जाता है, तो स्पर्श व्यक्ति का स्पर्श हो जाता है तो क्या प्रोक्षण विधि की क्यों जाती है, तो कह रहे देवता का सान्निध्य, देवता का जो कला है, देवता का जो तत्व है, उसका ह्रास हो जाता है। मूर्ति में देवता की कला उतनी नहीं रहती है, देवता का जो तेज है जो मूर्ति में समावेश होता है मंत्रों के द्वारा समाविष्ट होता है, तो वो फिर नहीं रहता, उसमें ह्रास आ जाता है, वो कम हो जाता है। देखिए इसके संकल्प में बतला रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि ये सब जो है करना है तो अस्याह प्रतिमायाह या आसाम प्रतिमानाम, है ना, जो भी बौद्ध मूर्ति है तो आसाम प्रतिमा नाम, क्यों मंदिर में एक विग्रह नहीं है, कई विग्रह रखे हैं और पूजन सबका छूट गया है, तो आसाम प्रतिमा नाम, आसाम मूर्ति नाम या अस्याह प्रतिमाया निषिद्ध स्पर्श अथवा पूजा विच्छेदादि जन्य सकल प्रायश्चित्त निवृत्ति पूर्वकम दिव्य देव कला तेजो विवृद्धये। समझ रहे हैं कि समस्त हमारे द्वारा जो मूर्ति की पूजा छूट गई है या स्पर्श पदार्थों का स्पर्श हो गया है, जो भी है, इससे होने वाला जो भी प्रायश्चित है वो उसकी शांति हो, वो निवृत्ति हो, और देवता की दिव्य कलाओं का इसमें समावेश हो। दिव्य देव कला तेजो विवृद्धये, इस वृद्धि के लिए
प्रोक्षण विधि मम करिष्ये, मैं प्रोक्षण विधि को करूंगा। तो फिर यहाँ प्रोक्षण विधि दी गई है, मंत्रों के द्वारा देवताओं का स्नान कराया जाता है, पंचगव्य से स्नान कराया जाता है, मृत्तिका इत्यादि से स्पर्श कराया जाता है। इनसे स्नान कराने के बाद कुछ देवताओं विशेष के अलग अलग मंत्र भी हैं, इनको कुशा इत्यादि से ये सब करके फिर तत्वन्यास लिपिन्यास मंत्र पूर्वक स्वस्थान देवता की स्थापित देवता को स्थापित कर दिया जाता है। और अगर दोबारा प्रतिष्ठा करनी हो तो फिर इसके बाद फिर दोबारा प्रतिष्ठा प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है। और फिर पूजन महापूजन और नीराजन आरती इत्यादि ये सब इसके कहते हैं, ये सब इसमें किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि देवता की मूर्ति का पूजन कितने दिन तक बंद रहे या किस किस का स्पर्श होने के बाद ये सब विधि करनी पड़ती है। तो फिर देवता का पुनः उसमें सान्निध्य होता है, देवता की कला की स्थापना होती है। इसलिए मूर्तियों की मर्यादा मंदिरों की मर्यादा सदा सुरक्षित रहे, ये धर्म सम्राट स्वामी जी कृपाति महाराज का नारा है कि मंदिरों की मर्यादा सुरक्षित रहे। तो इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करनी चाहिए, और यदि कोई त्रुटि होती है तो फिर शास्त्रों में ये विधि बतलाई गई है। हर हर महादेव।